मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। बॉलीवुड में अभी तक सिर्फ और सिर्फ खान का ही दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन अब टाइम बदल गया है। इस साल के अभी तक के बॉक्स ऑफिस पर नजर डाली जाए तो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर की फिल्मों ने ही 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जो अकेले ही खान पर भारी पड़ता है। जी हाँ, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार है। ये तो आप जानती हैं कि अक्षय एक साल में 3 से 4 फिल्में लाते हैं और वो भी सारी सुपरहिट फिल्में। वहीं अब अक्षय बैक टू बैक काफी बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अक्षय ना सिर्फ खान को खा जाएंगे बल्कि पूरे बॉलीवुड पर सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी कुमार का ही राज होने वाला है। सबसे पहले तो अक्षय 2.0 लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। साथ ही फिल्म में अक्षय सालों बाद नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार फिल्म में रजनीकांत को परेशान करते नजर आएंगे। कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि अब अक्षय का टाइम आ गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है केसरी। अक्षय की यह फिल्म सारागढ़ी की लड़ाई पर बेस्ड है, जो 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और अफगानी सेना के बीच हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख जवानों ने 10,000 की तादाद वाली अफगानी सेना का मुकाबला किया था। फिल्म में अक्षय के साथ भाग्यश्री और परिणीति चोपड़ा नजर आएंगी। करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली ये फिल्म अगले साल होली के मौके पर रिलीज होगी। इन दो बड़ी फिल्मों के अलावा अक्षय के पास करण जौहर की गुड न्यूज भी है। इस फिल्म में वो सालों बाद करीना कपूर के साथ नजर आएंगे। वहीं इसके अलावा वो हाउसफुल 4 के जरिए सभी को लोटपोट करने के लिए भी तैयार हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म के VFX पर जमकर पैसा बहाया गया है। फिल्म में पहली बार अक्षय और कृति सनन की जोड़ी नजर आएगी। ये फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। ये सब देखकर तो अब यही लगता है कि अक्षय पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही खा जाएंगे। वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी स्पेशल स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।